हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल इटालियन एसीपी एफआईसी मॉड्यूल। आज हम एक्सेल पढ़ने वाले हैं। आज हम एक्सेल में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे जिसका नाम है डेली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप अपने डेली के एक्सपेंडिचर और इनकम को मेंटेन करना चाहते हो, वो भी ईजी वे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पहले डेमो दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर किस तरह से है, किस तरह से काम करता है। इसमें दो शीट्स हैं, एक डैशबोर्ड है और एक डे बुक है। ठीक है, डे बुक में जो हमारी डेली की एंट्री होगी वो हम डे बुक में करते रहेंगे, जिसमें डेट है, मंथ है, वाउचर नंबर है, जनरल लेजर्स है, ये टाइप ऑफ लेजर किस टाइप के लेजर है, इनकम का है, एक्सपेंस का है, अमाउंट। ठीक है, और डैशबोर्ड में हम और डैशबोर्ड हमारे को पूरा बताएगा कि कितनी हमारी इनकम है, कितनी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, लॉस है। और यहाँ पर आपके जो आपके लेजर्स हैं, जितने भी आपके लेजर्स जिस भी टाइप के, अगर आप एक्सपेंस का इनकम है वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। ठीक है, जैसे जैसे ऐड होते रहेंगे वो आप नीचे एड ऑन करते रहोगे। ठीक है, अब उसका टाइप ऑफ लेजर क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, इनकम है, एक्सपेंस है, वो ड्रॉप डाउन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज बताएंगे। और यहाँ पर एक आ रहा है एंटर पीरियड। एंटर पीरियड में डेट है, इस जिस भी डेट को आप यहाँ पर एंटर करोगे उस डेट का आपको पर्टिकुलर डेटा दिखाएगा। जैसे हमने मैंने यहाँ पर डाला है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। अगर सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पर, देखिए डेटा चेंज हो जाएगा, लाइक 15 अप्रैल। देख 15 अप्रैल को क्या दिखा रहा है, हमारी 15 अप्रैल तक हमारी ओनली परचेज है 20,000 की और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,000 के। तो इसका मतलब हमारा जो नेट लॉस है वो 22,000 रुपए का है। इस तरह से अगर मैं डेट को चेंज करता हूँ, लाइक 20 अप्रैल, 20 अप्रैल में हमारा एक चीज और ऐड हो गई, बैंक कमीशन। तो ये यहाँ से उठा रहा है पर्टिकुलर, ये जो डेट्स है देख रहे हो, डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा फैच करके दे रहा है। ठीक है, अगर मैं आपके डालता हूँ मई, लाइक तो देखिए मई का पूरा डेटा आ गया। मई में 30 मई तक, हम 1 अप्रैल से 30 मई तक हमने कितने की हमारी इनकम है, कितने के हमारे एक्सपेंसेस है और कितने के हमारे लॉस है, वो सब कुछ हमारे को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, लॉस होगा तो नेट लॉस होगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर मंथ वाइज बनाया हुआ है मैंने, मंथ के अकॉर्डिंग है कि अप्रैल में कितनी आपकी इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, मई में आपका कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, वो आपको यहाँ पर मंथ वाइज बताएगा। ठीक है, ये चार्ट है, चार्ट आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो और नहीं। चलिए अब आप हम इसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक नई शीट पर आते हैं। मैंने फॉर्मेटिंग पहले से कर रखी है क्योंकि फॉर्मेटिंग से हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, तो फॉर्मेटिंग सेव कर रखी है। मैं आपको पूरे फॉर्मूलेस ये सब कुछ लगा के वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल लेजर्स। जनरल लेजर्स वन बाय वन जो आप यूज करोगे वो आप यहाँ डालोगे, जो भी नया लेजर आएगा वो आप यहाँ ऐड करोगे। तो मैं लेजर मेरे यहाँ पर टाइप है तो मैं ये वाले कॉपी कर लेता हूँ, मुझे टाइप नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हमें टाइप ऑफ लेजर बताना पड़ेगा कि ये जो लेजर है वो एक्सपेंस से रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, इसे हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, डेटा में, डेटा यहाँ पर है, डेटा वैलिडेशन यहाँ पर लिस्ट, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं इनकम कोमा एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके, अब देखिए आ गया, इनकम है तो इनकम, एक्सपेंसेस तो एक्सपेंस, इस तरह से ही देखिए। अब यहाँ नहीं आ रहा है तो मैंने इसी सेल पे लगाया था, तो आप नीचे से ट्रैक करके कंट्रोल डी कर दीजिए, सब पे लग जाएगा। अब जिस भी टाइप का, अब जैसे सेल्स हमारी इनकम है तो यहाँ पर इनकम कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस भी एक्सपेंस है, बैंक कमीशन भी एक्सपेंस है, कैरिज ऑन सेल्स भी एक्सपेंसिस है, कमीशन डेबिट मतलब एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, बैंक कमीशन क्रेडिट, इसका मतलब ये हमारी क्या है, इनकम है। ठीक है, तो इस तरह से आप और लेजर आपके ऐड होंगे तो वो फर्स्ट आप यहाँ ऐड करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम डे बुक पे। ठीक है, डे बुक पे आते हैं, डे बुक पे हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए जैसे सपोज मैं 1 अप्रैल को एंट्री कर रहा हूँ, अब यहाँ मंथ, मंथ ऑटोमेटिक कैसे आएगा, मंथ को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, टी टी टेक्स्ट फंक्शन,
इसमें पहले क्या है, वैल्यू, वैल्यू हमारी डेट ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा। अब यहाँ पर डबल इनवर्टेड कोमा में आपको 3 बार M देना है और क्लोज करके एंटर कर देना है। देखिए उठा लिया, उसके बाद वाउचर नंबर हम मेंशन कर देंगे। अब जनरल लेजर, जनरल लेजर हम उठाएंगे अपने डैशबोर्ड यहाँ से, मेन से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं एक यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन बनाते हैं, ऑल्ट डी एल। देखिए ड्रॉप डाउन की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी एल, और यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से लिस्ट ले लेंगे और यहाँ से सोर्स हमारी क्या आ गई, ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया है, बट नीचे ऐड होंगे तो नीचे भी ऐड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो 15 है इसको बढ़ा के 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे ऐड होंगे ऑटोमेटिकली हमारी ड्रॉप डाउन में वो नीचे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो परचेज आ गया। टाइप ऑफ लेजर क्या है, तो हमने बता रखा है यहाँ पर परचेज का एक्सपेंस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप इजिकल टू वी लुकअप। वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमें ये चेक करानी है, टेबल एरे कहाँ से, इस पर्टिकुलर टेबल से। अब इसमें भी क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इसको टेबल को पहले एक बार लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 15 है, 15 की जगह हम यहाँ भी 1000 कर देते हैं, क्योंकि नीचे ऐड होते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल में ऐड हो जाएंगे। और हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, दूसरा है, ये देखिए 1 एंड 2, सेकंड है। तो और यहाँ पर क्या दे देंगे, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखिए उठा लिया ऑटोमेटिक, अगर मैं सेल्स लेता हूँ तो ऑटोमेटिक इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अमाउंट हम खुद एंटर करेंगे, लाइक हमने 25,000 एंटर किया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो भी है आपका, वट एवर आप यहाँ पर लिख सकते हो, लाइक मैं लिख रहा हूँ परचेज गुड्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री, एक एंट्री हमारी यहाँ हो चुकी है। ठीक है, अब एंट्री यहाँ हो गई है हमारी, अब हमें फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूले लगाने के लिए अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा फंक्शन, लगेगा सम इफ्स फंक्शन। ये सम इफ्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि मल्टी क्राइटेरिया पे हमें सम करना है, हमें डेट के अकॉर्डिंग और लेजर्स के अकॉर्डिंग सम करना है। हम चाहते हैं जितना भी हम परचेज करें, जितनी भी हम यहाँ पर परचेज करें उसका सम यहाँ आना चाहिए, बट डेट वाइज जिस पीरियड का हम देखना चाहें उस डेट तक का ही सम दिखाए। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सम इफ्स फंक्शन। सम रेंज, सम रेंज क्या होगी, सम रेंज कहाँ से आएगी, अमाउंट से, क्योंकि अमाउंट का सम करना है, कोमा। उसके बाद आता है दूसरा है हमारा, देखिए इसके अकॉर्डिंग काम करना है। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन हमारा लेजर्स के अकॉर्डिंग सम करना है। इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसका क्राइटेरिया हमारा ये होगा। ठीक है, कोमा। अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारी है डेट, हमें डेट के अकॉर्डिंग करना है। अब डेट पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, देखिए डेट पे हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर। अब डेट पे क्या करना है, अब डेट पे हमें चाहिए कि इस डेट से इस डेट तक, तो हमें डेट के लिए सम इफ में क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जहां से स्टार्ट करना है उसके लिए हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू करके यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर एंड का साइन लगा के जिस सेल में डेट हम लिखेंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम इसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा भी सकते। अब कोमा, दोबारा से हमारा यही आएगा एंड डेट के लिए, तो हम इसी को कॉपी करके, अब हमारा सिंपल है, सी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड डेट किसमें हमारी, डी कॉलम में, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, और यहाँ ग्रेटर देन की जगह लिखा हो जाएगा लेस देन। इसका मतलब क्या हुआ, इस डेट से इस डेट तक। अब इसको ब्रैकेट क्लोज हम एंड कर, देखिए हो गया सब, और नीचे तक हम इसको, अभी नीचे डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एंट्री पास नहीं करी है। ठीक है, अब मैं और एंट्री करता हूँ यहाँ पर, सपोज मैं 5 अप्रैल को एंट्री पास कर रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर सिंपल कंट्रोल डी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, वाउचर नंबर हम एंटर कर देंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लगा रखी है बट यहाँ नहीं है, तो आप सिंपल जहां तक आपको लेना है वहां तक जाके कंट्रोल डी कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज मैं कर रहा हूँ सेल। ठीक है, अब यहाँ भी
फॉर्मूला को आपको कॉपी करना है, कंट्रोल डी, सिंपल। देखिए सेल हमारी इनकम है, ऑटोमेटिक उठा लिया, सेल करी हमने 35,000 की, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेल ऐड हो गई होगी, अभी सेल्स, ठीक है। और ऐड करते हैं हम, सपोज 15 अप्रैल करते हैं, यहाँ भी कंट्रोल डी, थर्ड वाउचर, ठीक है। हमने पे किया सपोज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ कंट्रोल डी कर देंगे। अब यहाँ पर 15,000 रुपये का सपोज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया, देखते हैं हमारा एड हुआ, देखिए हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15,000 एड हो गया है। अब हमारा आ गया 30 अप्रैल, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन, सपोज हमें कमीशन मिली है, ठीक है, कमीशन इनकम हो गई, कितनी मिली हमें 6,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए कमीशन में 6,000 रुपये, तो जो भी एंट्री आप यहाँ पर करते रहोगे वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर अपडेट होती रहेगी, और डेट वाइज। जैसे अब मैंने 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की एंट्री यहाँ पर पास कर ली है, अब सपोज मैं यहाँ पर डालता हूँ, अब यहाँ टोटल दिखा रहा है, लेकिन अगर मेरे को देखनी है ओनली 15 अप्रैल तक का डेटा, तो देखो 15 अप्रैल तक में डेटा में ये नहीं आ रहा, बिकॉज ये एंट्री किसमें है, 30 अप्रैल, ठीक है। अब इसी से हमारा यहाँ पर सम होगा, तो यहाँ पर सम करने के लिए हम यहाँ सिंपल यूज करेंगे सम इफ फंक्शन। सम इफ हमें रेंज इसके अकॉर्डिंग सम करना है, ठीक है, इसको हम लॉक कर देंगे और इसको बढ़ा देंगे क्योंकि नीचे और ऐड हो सकते हैं, कोमा, क्राइटेरिया रेंज, ये हो जाएगा क्राइटेरिया हमारा B2, और सम रेंज हमारी ये हो जाएगी, इसे भी हम लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, हो गया। अब इसको कंट्रोल डी करके नीचे कॉपी कर देंगे, तो ये हमारा इनकम का हो गया और ये हमारा एक्सपेंसेस का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इनकम हमारे टोटल 35,000 इनकम है और एक्सपेंस हमारे 40,000 रुपीज है, ठीक है। देखिए इसमें भी दिखा रहा है ये चीज, और अगर मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ डेट, तो देखिए अब कितने हो गए, इनकम 41 हो गई और एक्सपेंस कितने हो गए, 40। अब यहाँ पर लेना है हमें कि ऑटोमेटिकली आया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो उसके लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला लाएंगे, इफ फंक्शन, लॉजिक कंडीशन क्या है, अगर इनकम ग्रेटर देन होगी किससे, एक्सपेंसेस से, तो क्या आएगा यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, ठीक है, अदरवाइज क्या आएगा, नेट लॉस, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैं डेट चेंज करके 15 अप्रैल कर देता हूं, तो अब क्या आ रहा है, नेट लॉस, और यहां पर सिंपल इसको इससे माइनस कर देंगे, इसका मतलब 5,000 रुपये का हमारे नेट लॉस है, इनकम 35 आ रही है, और अगर मैं यहाँ डेट चेंज करके 30 अप्रैल दोबारा से करता हूँ, तो हमें नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 1,000, तो ये हमारा तैयार हो गया है। तो बस आपको यहाँ पर एंट्रीज पास करनी है और ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर होता रहेगा। अब मंथ वाइज करना है, मंथ वाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी सम इफ्स लगा सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं हमें दोबारा दोबारा रेंज को बार बार। अभी एक सम इफ तो मैंने इस तरह से यहाँ बता दिया, अब मैं नेम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको, इससे इजी पड़ेगा आपको फॉर्मूला लगाना। हम इनको नाम दे देते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज का इसका नाम क्या दे देते हैं, मंथ। तो नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को नेम देने के लिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हमने, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आया, टॉप रो को नाम बना दे, तो हमने इसे ओके कर दिया, तो इसका मतलब टॉप रो। अब देखिए मंथ, जब भी मैं मंथ सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरी सेल सेलेक्ट होगी, इस तरह से ही अमाउंट पे करेंगे हम, अमाउंट पे भी फॉर्मूला क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो का अमाउंट। अब जब भी मैं यहाँ से अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा तो हमारी अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो और यहाँ से हम इसको दे देंगे, तो इसका मतलब है तीन टेबल क्रिएट करी है, एक मंथ की, अमाउंट की, एंड टाइप ऑफ लेटर्स की। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, देखिए फॉर्मूला लगेगा सम इफ्स, जो बुझा सम रेंज, तो सम रेंज के लिए मैंने
क्या बनाया था, एक टेबल बनाइए किसका ना, अमाउंट है नाम की, तो हम सिंपल यहाँ पर अमाउंट नाम से अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन हम ले लेते हैं मंथ, देखिए मंथ ऑटोमेटिकली ले लिया, मंथ की हमने बनाई है टेबल, तो देखिए अलग से आपको डिस्प्ले, ठीक है, कोमा, क्राइटेरिया इसका मंथ का ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, इसको इसका क्या करते हैं, इसमें हमारा देखिए कॉलम सेम है, यहां से देखिए हमारा जो कॉलम है वो सेम है, तो कॉलम को हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ही। दूसरा क्या है हमारा, टाइप ऑफ लेजर, टाइप ऑफ लेजर्स का क्राइटेरिया यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, G5, तो इसको हमारा, इसमें हमारा क्या सेम है, रो, तो इसमें हम रो लॉक कर देंगे, आ गया। अब इसको नीचे तक हम कॉपी कर देते हैं और इसको यहाँ पर कंट्रोल आर कर देंगे, यहाँ ये कॉपी कर, तो ये हमारा इनकम ये हो गई और ये हमारी एक्सपेंसेस हो गई। तो जब आप एंट्री करोगे, मई में एंट्री करोगे, तो मई का डेटा अपडेट होने चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा से ये सॉफ्टवेयर छोटा सा तैयार हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आपको इसका चार्ट बनाना है तो सिंपल यहाँ पर आप इंसर्ट जाके, इंसर्ट चार्ट, आप यहाँ से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो, इसे हम छोटा कर लेंगे, ठीक है, इसका डिजाइन आप यहां से चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो डिजाइन सही लग रहा है वो आप डिजाइन यहां से सिलेक्ट करके और चार्ट का टाइटल आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा डेली एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का सॉफ्टवेयर छोटा सा तैयार हो गया है, तो मुझे आशा है बना लोगे इसे। अगर आपको ये फाइल चाहिए, अगर आप नहीं बना पा रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद बनानी चाहिए, खुद ट्राई करनी चाहिए एक बार, अगर आपसे नहीं बनती है तो आप मेरे को कमेंट में अपनी मेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।